क्रिमिनल कहता है शहबाज शरीफ क्रिमिनल है, उसको मैं ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता। तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की, और तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? और बीबी अब मेरी बात सुनो जरा, जिस टाइम तुम्हारी कोई औकात नहीं थी तो उस वक्त इमरान खान के खानदान की क्या औकात थी पहले ये सुन लो, उसके बाद मैं इमरान खान का बताती हूँ। इमरान खान के दादा डॉक्टर अजीम खान नियाजी अफगानिस्तान के बादशाह के मुआलिज थे, और इमरान खान के नाना अहमद हसन खान नियाजी 1923 में जलंधर के सेशन जज थे, और इमरान खान के वालिद साहब इकरामुल्ला खान नियाजी 1946 में इंपीरियर कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करके आए थे, और इमरान खान 1970 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लैंड से ग्रेजुएशन करके आए थे। अब आते हैं तुम्हारी तरफ, जब इमरान खान लंदन में सिर्फ छुट्टियां गुजारने जाते थे तो तुम्हारे नवाज शरीफ का बाप 3 बाल्टियां मरम्मत करता था, तुम्हारी माँ एक दाई थी, तुम्हारी माँ की शादी नवाज शरीफ ने करवाई थी, और आज नून लीग के टुकड़ों पर पल पल के सेनेटर बनी बैठी है, और तुम्हारी औकात ये है कि किसी शादी पर पहनने के लिए तुम्हारे पास एक जोड़ा तक नहीं होता। मरियम नवाज के पहने हुए कपड़े पहन पहन कर आज तुम इस काबिल हुई हो कि टीवी पर बैठ के बात कर सको, और इमरान खान को उसकी औकात याद दिलाओगी? तुम्हारी अपनी क्या औकात है वैसे? उसने अपनी वालदा की बीमारी देखकर पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और उसने अपने शहर मियांवाली के में यूनिवर्सिटी बनाई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम टीवी पर बैठकर इमरान खान के बारे में कोई बकवास करो?